अभी अपने पास iPhone 12 आया है, जिसके अंदर जो कैमरा है ओरिजिनल वो चेंज किया हुआ है। अभी इधर देख सकते हैं इम्पोर्टेंट कैमरा मैसेज, किसी ने ऑलरेडी कैमरा चेंज करके रखा हुआ है और अपने पास इसका ओरिजिनल कैमरा नहीं है। राइट, काफ़ी सारे बंदों की कंप्लेन है कि सर ओरिजिनल कैमरा नहीं है, कैसे करना है। खैर, नेट पे पूरा प्रोसीजर अवेलेबल है, बट इट इज़ नॉट अवेलेबल इन हिंदी और एनी पार्ट्स। सो सबको मुसीबत हो रही है। अभी आप देख सकते हो कैमरा चालू है, ठीक है। फ्रंट फायर वर्क्स इज ऑल्सो ओके, एवरी थिंग इज़ ओके, बराबर। फ्रंट कैमरा भी ओके है, सब कुछ ओके है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि इसका फ्रंट कैमरा, सॉरी बैक कैमरा जो है पूरा चेंज किया हुआ है, अपने पास ओरिजिनल कैमरा नहीं है। तो हम आज आपको पूरा हिंदी में पूरा प्रोसीजर बताते हैं कि करना क्या है। बहुत सिंपल स्टेप है, किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो इसमें डुप्लीकेट, सॉरी जो क्लाउड वाला कैमरा है वो लगा हुआ है। आपको एक JC का टैगोन फ्लैक्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो 12 सीरीज़ का है। आपके पास V1S Pro या तो V1 SE कुछ भी होना चाहिए, प्लस उसकी ये स्ट्रिप है फ्रॉम XR टू 12 Pro Max वाइड एंगल कैमरा रिपेयर। इसमें 14 Pro Max तक का भी आ चुका है, वो भी हमारे पास पड़ा है। फिलहाल हमारा फ़ोन 12 है, तो हम ये वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, फ़ोन को आपको कंप्यूटर से अटैच करना है। डन। अगर वो ट्रस्ट मांग रहा है तो ट्रस्ट का आपको बटन दबाना है। मैंने ऑलरेडी पहले से इसको अटैच किया हुआ था, तो ट्रस्ट किया हुआ ही है ये। नाउ जस्ट गो टू JC रिपेयर, हियर इज अवर फोन। वो कनेक्टेड ही रहेगा, उसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। JC रिपेयर में आप रीड फोन के ऑप्शन में जाएंगे, हियर इज द बिग स्क्रीन, ठीक है। ये भी आपको सब कुछ ऐसे तो ओरिजिनल ही दिखा रहा है। यहाँ पे आप जाके देख सकते हो बाउंड डिटेल, अनबाइंड डिटेल्स में देख लीजिए, कोई भी चीज़ अनबाइंड की हुई नहीं है। हम क्या करेंगे, JC के सॉफ्टवेयर के थ्रू, ब्रश मोड के थ्रू इसको अनबाइंड करेंगे, ताकि हम बाद में कैमरा ओवरराइट कर सकें, यानी हार्ड डिस्क वगैरह कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे JC के सॉफ्टवेयर में ही ये ब्रशिंग नाम का ऑप्शन है, आप जस्ट इसको क्लिक कीजिए। मैं वापस दिखा देता हूँ, ये रहा ब्रशिंग, रिफ्रेश, जेल ब्रेक, अनबाइंड, ये सारे बटन आपको दिख रहे हैं। हम सिर्फ यूज़ करेंगे ब्रशिंग, ठीक है। ये ब्रशिंग जैसे आप सिलेक्ट करोगे, एक चीज़ आपको सामने से बोल रहा है कि इसके अंदर जो भी डेटा है वो डिलीट हो जाएगा, आपका फ़ोन जो है वो रिकवरी में चला जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर कस्टमर का डेटा अंदर फ़ोन में इम्पोर्टेंट है तो आपको बैकअप लेना है। जैसे इधर आप देखेंगे तो इस फ़ोन में फ़िलहाल कुछ भी डेटा नहीं है, पूरा उन्होंने खाली करके ही भेजा हुआ है। अगर ये ID पासवर्ड वाला है तो ID पासवर्ड भी आप बंद कर दीजिए याद करके, ठीक है। और कस्टमर का डेटा है तो आप बैकअप ले लीजिए। सो आई एम अवेयर अबाउट द रिस्क, ऐसा करके मैं इसको बटन दबाता हूँ तो ये क्या करेगा, फ्लैशिंग स्टार्ट कर देगा। अब फ्लैशिंग के अंदर आपको इसका फर्मवेयर चाहिए कि कौन सा इसमें मुझे फर्मवेयर डालना है, यानी आपको आईफोन 12 का फर्मवेयर आपने पहले से डाउनलोड करके रखा होगा, तो आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मेरे फर्मवेयर जो है वो 3 टूल के अंदर है। हियर इज़ माई फर्मवेयर 17.1, ठीक है। तो ये अनबाइंडिंग प्रोसीजर स्टार्ट हो गया है, मैंने फ्लैश फाइल सिलेक्ट कर ली है। इट विल टेक अराउंड 3 to 4 minutes और 5 minutes, देन आपका फ़ोन अनबाइंड होके रिकवरी में पड़ा रहेगा, ठीक है। तो अनबाइंड के लिए मैं आपको लंबा इसमें प्रोसीजर नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। अभी ये फ़ोन ऊपर फ्लैशिंग में चल रहा है, डन। सो जैसे ये ख़त्म हो जाएगा उसके बाद वापस आपको फास्ट फॉरवर्ड में बाकी का प्रोसीजर बता। जैसे कि आप देख रहे हैं ये पूरा फ्लैशिंग प्रोसीजर खत्म हो गया, जिसको 4 to 5 minutes लगी थी, ये फ्लैशिंग प्रोसीजर पूरा खत्म हो चुका है। अभी बता रहा है द फोन इज इन रिकवरी मोड, इन नीड टू बी फ्लश अगेन वाया एनी सॉफ्टवेयर टू गेट इट टू नॉर्मल मोड। अभी आप देख रहे हैं आपका फ़ोन रिकवरी मोड में है, ठीक है। इसको हम कन्फर्म कर देते हैं, यहाँ से इसको बंद कर देते हैं। JC की भी फिलहाल अपने को ज़रूरत नहीं है, तो इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ। अब आप 3 टूल सब लोग यूज़ करते ही होंगे, राइट। कैसे फ्लैश करते हैं आपको पूरा प्रोसीजर पता है। आप नॉर्मल मोड से भी फ्लैश कर सकते हो, IT मोड से भी फ्लैश कर सकते हो, इन शॉर्ट इसको वापस फ्लैश करके ज़िंदा करना है। तो यहाँ हमारे पास 17.1 फर्मवेयर डाउनलोड की हुई है, रिटर्न यूज़र डेटा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अंदर डेटा ऑलरेडी नहीं है। तो आप क्विक मोड फ्लैश करेंगे, थोड़ा जल्दी से फ्लैश हो जाएगा, ठीक है। सो ये हम फ्लैश प्रोसेस इसका स्टार्ट कर देते हैं। अब आप रेगुलर फ्लैशिंग वगैरह करते ही होंगे तो आपको पता ही है कि पहले कौन सी फाइल चढ़ेगी, पहले क्या चढ़ेगा क्या नहीं, और कभी फ्लैश ख़त्म होगा। लेकिन ये 17.1 है तो मैं आपको बता देता हूँ कि 17.1 में जब भी हम इजी मोड से, इजी फ्लैश से फ्लैश करते हैं, तो पहले इसमें बेसमेंट सेक्शन चढ़ता है, बाद में आपका सॉफ्टवेयर सेक्शन चढ़ता है।
इसी फ्लैश को अगर मैं आईट्यून मोड से फ्लैश करूंगा, जो कि यहाँ पे आपको बटन दिख रहा है उसे फ्लैश करेंगे, तो पहले सॉफ्टवेयर चढ़ेगा और बाद में आपका बेसमेंट चढ़ता है। तो ये प्रोसीजर भी तकरीबन तकरीबन 7 से 8 मिनट लेगा। तो मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, तो इसको हम स्किप करेंगे। ये फ्लैशिंग जब ख़त्म हो जाएगा फिर वहीं से वीडियो को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी आप थोड़ा खाली मॉडर्न फर्मवेयर तक देख लीजिए ताकि आपको पता चले, ठीक है। ये फ्लैशिंग फर्मवेयर यू कैन सी हियर, सबसे पहले वो फ्लैशिंग फर्मवेयर राइट करते हैं। अपडेटिंग स्टॉक होम यानी आपकी NFC की फाइल को राइट कर रहा है। NFC नहीं होगी तो स्टॉक होम स्किप हो जाएगा और फोन अनेबल टू एक्टिवेट पे आ जाएगा। वो चैप्टर बाद में कभी उसका वीडियो बनाएंगे। अभी स्टॉक होम के बाद सबसे पहले ये बेसबिन का डेटा राइट करने का ट्राई करेगा। बेसबिन खत्म होने के बाद वो मेन आपका सॉफ्टवेयर चलाएगा, जो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है इजी फ्लैश मोड में। आईट्यून मोड फ्लैश में अगेन सेम प्रोसीजर जो पहले होता था, अभी हम आपको दिख रहा है ये सेंडिंग बेसबिन डेटा, सेंडिंग बेसबिन डेटा। ये एक दो बार ट्राई करता है और गलती से लिखा हुआ गया डिवाइस डज नॉट एक्सेप्ट सेंडिंग बेसबिन डेटा, अगेन आपका फोन एक्टिवेट नहीं होगा। और जब आप फोन ऑन होने के बाद आई बका बटन दबाएंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ सीरियल नंबर दिखेगा, IMEI नंबर नहीं दिखेगा। इसका मतलब ये है कि अंदर मॉडर्न फर्मवेयर है ही नहीं। हो सकता है मॉडर्न फर्मवेयर रिपेयर भी कर दो, चाहे लेयर बनाने से या जो भी IC आपको बदलनी पड़े, जो खराब हो, जो फॉल्टी हो, फिर भी मॉडर्न फर्मवेयर नहीं आएगा। आपको वापस फ्लैश मारना ही है क्योंकि आपकी हार्ड डिस्क के अंदर वो मॉडर्न फर्मवेयर का डेटा गया ही नहीं है, ठीक है। तो अभी जब तक पूरा फ्लैश खत्म होगा हम डायरेक्ट वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो अब देख रहे हैं कि यहाँ पे देखो कॉन्ग्रेचुलेसन, द क्लीन फ्लैश हैज बीन कंप्लीटेड। इसको अब हम ओके कर देंगे और यहाँ पे आपको ये अभी एप्पल लोगों पे है, यानी फ्लैश खत्म होने के बाद का इसका एक्सट्रैक्शन बार जो बनेगा फोन के ऊपर, वो एक्सट्रैक्शन बार आएगा, ठीक है। ये एक्सट्रैक्शन बार 35 थोड़ा सा आगे बढ़ेगा और आपका इधर आपका मॉडल कनेक्ट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं आपका फोन iPhone 12 ऑलरेडी कनेक्टेड है 7.1 iOS और ये पूरा चालू है। इसको अभी तक हमने एक्टिवेट नहीं किया क्योंकि अभी जस्ट अभी फ्लैश खत्म हुआ है। अब चाहो पहले एक्टिवेट कर लो, बाद में एक्टिवेट करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम इसको अब जब तक एक्सट्रैक्शन बार चलेगा तो हम साथ साथ में इसको एक्टिव बटन भी दबा देते हैं। थ्री टूल से एक्टिवेट करने का फ़ायदा क्या है कि जितनी भी वो एक्सेप्ट 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 वाली स्क्रीन है वो सब इमिडिएटली बाईपास हो जाएंगे, हम तुरंत फ़ोन के मेनू में जा सकते हैं। तो अभी तक हमने सबसे पहले ब्रश मोड के थ्रू इसको वन टाइप ऑफ जेल ब्रेक कर लिया, यानी अनबाइंड कर दिया, वो रिकवरी में आ गया था। उसके बाद हमने थ्री टूल या आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ सकते हो, कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहे आप, iTunes के थ्रू भी आप फ्लैश कर सकते हो, हमने उसको फ्लैश कर दिया। अभी फ़ोन वापस नॉर्मल मोड जैसा था वैसा हो गया, लेकिन पहले हमने देखा था वो सारी चीज़ें उसकी बॉन्ड थी। अभी जब एक्टिवेट हो जाएगा और हम वापस JC में जाएंगे तो आपको पर्टिकुलर चीज़ें अनबाइंड दिखाएगा, यानी वो चीज़ें आपके पास नहीं है तो भी आप उसको रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो एक्टिवेशन टेक अ लॉन्ग टाइम डन, यहाँ पे एक्टिवेशन सक्सेस लिखा हुआ आ गया, यहाँ पे आपको का मेनू आ गया। मैंने जस्ट इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट की, सिम कार्ड अंदर नहीं है इसके लिए मुझे कंट्री सेलेक्ट करनी पड़ेगी, अगर सिम कार्ड पहले से अंदर होता तो अपने आप ऑटोमेटिकली इंडिया आ जाता। यहाँ पे मैंने लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली है, ठीक है, सीधा मेनू में आ गया। नो वाईफाई, नथिंग एल्स, नथिंग इज नीडेड, राइट। अभी भी जो प्रॉब्लम था वो एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। हियर इट इज इम्पोर्टेंट कैमरा मैसेज, फोन चालू होते उसने बोल दिया कि मुझे कैमरा अपना ओरिजिनल नहीं दिख रहा, यानी ऐसा नहीं है कि आपने बस ब्रश मोड से कर दिया तो वो कैमरा ओके हो गया। अब थ्री टूल का अपना काम खत्म हो चुका है, अब हम जाएंगे वापस अपने JC रिपेयर में, जो कि मेरा यहाँ पे है JC ID रिपेयर, मैंने वापस खोल दिया है, ठीक है। वापिस सेम रीड फोन में जाते हैं, जैसे थ्री टूल आपका फ़ोन की इन्फॉर्मेशन लेता है वैसे सेम ये इस फोन की इन्फॉर्मेशन ले रहा है। डन। पहले आपने वीडियो को देखा होगा तो यहाँ पे बॉन्ड लिखा था, अब यहाँ पे लिखा हुआ आ गया अनबॉन्ड। डन। अब क्या क्या चीज़ अनबॉन्ड हुई है आप यहाँ से देख सकते हैं। अनबाइंडिंग डिटेल्स, हियर इट इज, सीरियल नंबर 12 सीरीज में कभी भी अनबाइंड नहीं हो सकता, ईमेक नहीं हो सकता। आपका एम्बियंस लाइट सेंसर, यानी आपका फ्रंट पत्ता जो होता है वो आप चेंज कर सकते हो, आपका ट्रू टोन मिस नहीं होगा और आपकी फेस आईडी मिस नहीं होगी। ये ट्रू टोन भी आप रीडराइट कर सकते हो। लेटिस कभी अनबाइंड नहीं होता। BCMS आपकी अनबाइंड हो चुकी है। वाईफाई कभी इसमें अनबाइंड नहीं होगी क्योंकि 12 सीरीज में आप जानते होंगे वाईफाई IC बदल नहीं सकते। ईमेक भी वाईफाई IC के अंदर वो बदल नहीं सकते। डिस्टेंस सेंसर आपका अनबाइंड हो गया। LCD का कोड अनबाइंड हो गया। डन। अब कैमरा को हम क्या करेंगे, इसके ऊपर लगा के ये जो कैमरा एग्जिस्टिंग है वो एज इट इज रहेगा। हम V1S
प्रो हो आपके पास या वीवन एसी हो, कोई भी डोंगल से होगा, हम इसमें इसकी वाइड एंगल कैमरा रिपेयर की स्ट्रिप को लगाएंगे, ठीक है, और फ़ोन को अटैच कर देंगे अब JC V1 AC में, ताकि वो फ़ोन अनबैंडेड में से डेटा उठाएगा और वो डेटा हमें इस फ्लैक्स के ऊपर राइट करना है, और ये फ्लैक्स और प्लस ये जो कैमरा है वो हमें इस फ़ोन में लगा देना है ताकि अपना पॉपअप मैसेज चला जाए। तो ये रहा मेरा 12 सीरीज़ का JC का एगॉन फ्लैक्स और कैमरा। अभी हम V1 AC को ऑन करेंगे। ये रेडी फ़ोन आपका कंपलसरी V1 AC के साथ अटैच होना चाहिए। आप कंप्यूटर के थ्रू भी कर सकते हो, लेकिन वो प्रोसीजर शायद आपको समझ में ना आए, तो मैं आपको V1 AC के थ्रू करवाना चाहता हूँ। सो नाउ आई एम चेकिंग एन आईफोन ऑन द केबल। केबल मैंने यहाँ से निकाल दिया। अभी ये V1 AC में जैसे आप जो पट्टी लगाओगे अपने आप उसके बारे में लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पे अभी बता रहा है कैमरा रीड्रेट फंक्शन के बारे में। यहाँ पे हम फोन को V1 AC में अटैच कर देते हैं, ठीक है। ये ट्रस्ट का बटन पूछ रहा है, मैंने ट्रस्ट कर दिया। जैसे आपके कंप्यूटर में कनेक्ट होता है वैसे V1 AC में आपका फ़ोन ट्रस्ट होकर कनेक्ट हो जाएगा, ये आपको दिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। ये आईफोन 12 है। ये बाइंड का स्टेटस क्या है? इट इज़ ऑलरेडी अनबाइंडेड, एवरीथिंग इज हियर। अब क्या करना है हमें? डिटेक्ट एंड रीड। यहाँ पे कैमरा लगा हुआ नहीं है, कुछ भी रीड नहीं करेगा, बट हमारे पास जो डेटा है वो हम प्लीज रीड द ओरिजिनल कैमरा लिव इट क्लाउड अनबाइंड। ये देखो, ये जो दो बटन थे डिटेक्शन, यानी आपके पास अगर कैमरा इसका ओरिजिनल होता तो आप यहाँ रख के उस कैमरा का डेटा को रीड कर लेते और क्लाउड में बैकअप दे देते, लेकिन हमारे पास तो ओरिजिनल कैमरा है ही नहीं। बट इसको जब मैंने अनबाइंड कर दिया है तो उसने अनबाइंड करने के टाइम JC ने इसके कुछ डेटा उसके सर्वर पर रख दिए थे, JC के सर्वर पर। सो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लाउड वन का बटन दबाता हूँ तो ऑलरेडी अभी मैंने फ्लैश मारा हुआ है 5/11/2023 बिकॉज इट इज़ चाइनीज टाइम, रात के 12:40 इंडिया में टाइम हुआ है, 4/11/2023 22:24। यानी हम यहाँ पे रात को 10:30 कर रहे हैं, चाइना 2.5 घंटा आगे हैं, तो यहाँ पे वो टाइम आपके पास आ चुका है। तो ये चाइनीज सर्वर का आपको टाइम दिखा रहा है। तो अभी हमारे पास इस फ़ोन का डेटा ऑलरेडी JC के सर्वर पे है। अभी JC का टेगॉन फ्लैक्स में 12 वाले सॉकेट में लगाऊंगा। ये रेड इज 12 प्रो, ये रेड इज 12 दिख रहा है आपको, बराबर ना? 12 है ना? डन। नाउ इट इज हियर। सो हम इसको ध्यान से लगाएंगे। JC का फ्लैक्स है थोड़ा सा कड़क, ये फ्लैक्स यहाँ पे लग चुका है। इस फ्लैक्स के अंदर JC की IC लगी हुई है। ये क्लाउड वन का जो बटन है यहाँ पे आपका जो बैकअप पड़ा है उसको आप सिलेक्ट कर दीजिए, ठीक है, और ओके करेंगे। राइट फिल प्लीज वेल्ड द FPC टू द कैमरा फर्स्ट। यानी ये क्या बोल रहा है कि इस पट्टी को कैमरा के साथ ज्वाइंट करके रखेंगे तो ही मैं राइट करूँगा। तो हम इसको वापस निकाल लेते हैं। ये अटैच जो मेरा फ़ोन था इसको मैं केबल निकाल लेता हूँ। इसके अंदर जो कैमरा मेरा लगा हुआ है इसको मैं निकाल देता हूँ बाहर। इसको थोड़ा सा टर्न करना पड़ता है इस तरीके से। ये कैसे कितना टर्न होता है आप JC की वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, JC प्रोग्रामर के यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो। सो इसको हम ध्यान से प्रॉपरली पहले अटैच कर देंगे। मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने इसको यहाँ पे लॉक कर दिया है, और ये वाला जो फ्लैक्स है मुझे वापस JC के ऊपर यहाँ पे लगा देना है। डन। और फ़ोन मुझे अटैच रखना है, तो उसको पता नहीं चलेगा मैं किस चीज़ का बैकअप राइट करूँगा। तो ये हमारा फ़ोन ऑन का ऑन ही है, ठीक है। यहाँ पे पूरी फ़ोन की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। मेन क्या, वो सीरियल नंबर के हिसाब से सेव करके रखता है। जब आप क्लाउड वन का बटन दबाएंगे तो इसी का पर्टिकुलर सीरियल नंबर का जो क्लाउड में डेटा पड़ा है उसको वो डायरेक्ट उठा लेगा, दूसरा कोई डेटा नहीं दिखाएगा। हियर इट इज़, अगेन सेम फाइल आ गई, सिलेक्ट कर दिया। अब पूछ रहा है राइट करो या नहीं करो, मैंने ओके कर दिया। अब ये राइटिंग हो रहा है। लेट द लाइट फिनिश, ओके, राइटिंग सक्सेस, एवरीथिंग इज ओके। अब इस पत्ते को यहां से निकाला,
फोन भी डी अटैच कर दिया। टेगोन फ्लेक्स है, थोड़ा लंबा होता है, ठीक तरीके से उसको रखना पड़ेगा। सबसे पहले मैं छोटा वाला फ्लेक्स अटैच कर देता हूँ। अब मेरा जो टेगोन फ्लेक्स है उसको भी मैंने अटैच कर दिया। ये टेगोन फ्लेक्स यहाँ पे मुड़ा हुआ है, डन। ये यहाँ पे मोड़ दिया, खत्म। वी नीड टू रिस्टार्ट अ फोन वन टाइम बिकॉज मैंने एक भी बार उसको बंद नहीं किया था। अब इसको बंद कर देते हैं। फिर इसको पावर ऑन करेंगे और देखेंगे तो पॉपअप मैसेज अपना जा चुका होगा। ये जो चीज़ है LG पे भी हो सकती है, JC पे भी हो सकती है, दूसरी बहुत सारी कंपनी बनाती हैं। LB यानी अगर आपने JC पे अनबाइंड किया है और आप LB पे बाइंड करोगे यानी नया पत्ता लगाओगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है। LB की दूसरी एक अलग सी एक सी अनबाइंड करने के लिए आप वो भी यूज़ कर सकते हो। सारी एक सियाँ एक ही हैं, आप जिसके थ्रू जो भी यूज़ करना चाहें। यहाँ अपना फ़ोन ऑन हो चुका है, डन। थोड़ी देर पहले आपने देखा था कैमरा पॉपअप मैसेज, नाउ वी आर गोइंग इनसाइड, देयर इज नो पॉपअप मैसेज, डन। यू कैन गो टू जनरल ऑल्सो, अबाउट ऑल्सो, अगेन यू कैन सी नो पॉपअप मैसेज और आपका कैमरा ऑन का ऑन ही है। अभी अभी अपने फ्लैश किया है तो इसको लोकेशन सर्विसेज में ऑन कर देता हूँ। अलाउ वाइल यूजिंग दिस एप्लीकेशन, कंटिन्यू, सी हियर योर 1x इज ओके, एवरीथिंग इज ओके, एंड आपके सारे आगे के फ्रंट बैक कैमरा सब कुछ ओके है। ये इतना ईजी है जैसे क्या बताओ, इट्स वेरी ईजी। बट पूछ रहे हैं बहुत लोग, सर कैसे होगा कैसे होगा, तो आज सोचा कि टाइम है तो हिंदी में बना देता हूँ। ये जो फ़ोन दिख रहे हैं ना, इतने रोज़ रिपेयर करने होते हैं। आज मैंने, सूरज ने और आप भी तो साथ में थे, सबने मिलकर 12 फ़ोन टोटल डिलीवर किए। हमें रोज़ बहुत फ़ोन डिलीवर करने होते हैं तो वीडियो बनाने का सच में टाइम नहीं मिलता, लेकिन कोशिश ज़रूर करूँगा इस नवंबर मंथ में जितने हो सके उतने वीडियो आपके लिए अपलोड करूँगा। ऐसे ही कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। मिलते हैं, बाय बाय।